हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ चलिए। गवर्नमेंट ने एक न्यू नोटिफिकेशन इश्यू किया है। ये नोटिफिकेशन नंबर है 22। 23 अप्रैल को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर करेक्टेड बाय द सेक्शन 164 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर ओपिनियन द 21st डे ऑफ जून। ये रूल 21 जून से अप्लाई लागू हो जाएगा। 21 जून से 2019 से ये रूल अप्लाई हो जाएगा। द डेट फ्रॉम विच द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स 14 अमेंडमेंट, ये कौन सा अमेंडमेंट है? 14 अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है 2018 रूल 2018 12 नोटिफिकेशन नंबर है 74 2018। इसमें अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने, ये एप्लीकेबल हो जाएगा 21st जून से। तो देखते हैं कि ये 74 नोटिफिकेशन नंबर 74 क्या कहता है। तो नोटिफिकेशन नंबर 74 ये कहता है 31st दिसंबर को ये गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था। 31st दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट ने ये रूल नोटिफिकेशन नंबर 74 पब्लिश किया था। उसमें बताया गया था कि अगर कोई भी टैक्सपेयर लगातार दो रिटर्न नहीं भर पाता तो उसके लिए ईवे बिल जनरेट करना हो जाएगा मुश्किल। वो जनरेट नहीं कर पाएंगे ईवे बिल को। अगर आप भी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन नंबर 74, तो प्रेस रिलीज में जाकर आप यहाँ से गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर प्रेस रिलीज आप देख सकते हैं। ये 31st दिसंबर 2018 को पब्लिश किया गया था। इसमें अगर भी ये ध्यान रखना है कहीं आपसे सलंग लगातार दो रिटर्न रह न जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना जीएसटी अमेंडमेंट 2000 नोटिफिकेशन नंबर 22। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। हमारे वीडियो को और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।